सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑपरेशन आदमखोर की। खूंखार आदमखोर भेड़िये ने लगभग 9 बच्चों को अपना निवाला बना लिया। कोई नहीं आया ले जाने कोशिश कर रहा, जब तो हमने महतारी अपने आई चली, जब हल्ला गुल्ला भवा जो है मोहल्ला के हम सब हल्ला किया तब भागा। पहले दबोचता है गला, उसके बाद से फिर बच्चा जब डेथ कर जाता है उसके बाद उसको शायद खाने का प्रयास करता है। यही देखा गया था इस क्षेत्र में वो गन्ना वाले। बहुत बड़ा डर है, जीना मुश्किल है, रात में लोग सोते नहीं हैं। दिन में पहरा, रात में पहरा, कहां तक के जाऊं? तो सुना आपने, दिन में पहरा और रात में पहरा और रातें बिताना मुश्किल, सन्नाटा, ऐसे घुप अंधेरे में निकलना मुश्किल, क्योंकि आदमखोरों का अटैक कभी भी हो सकता है और इसी डर के साए में लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब इन आदमखोर भेड़ियों के मुंह लग चुका है इंसानी खून और ये अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। सीतापुर, बहराइच और अब बाराबंकी तक पहुंचने की खबर आ रही है। ऐसे में लोगों के लिए रातें काटना मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि फिर से कल रात, जब हमने आपको बताया था कि अमावस की रात कल थी, तो कल रात भी अटैक हुआ है। कल रात भी कैसे अटैक हुआ और क्या कुछ हुआ है कल रात, चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कल फिर से आदमखोर ने निशाना बनाया है लोगों को, बच्चे को निशाना बनाया है। और कैसे यह अटैक हुआ, कितने बजे की यह घटना है, सारी डिटेल चलिए जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देर रात देखिए भेड़िए का अटैक होता है और तुरंत पहुंच जाता है लोगों के बीच में, इंसानी बस्ती में पहुंचता है। दादी के पास सो रही बच्ची पर आदमखोर ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। दादी के पास वो बच्ची सो रही थी, 5 साल की बच्ची थी, जिसे भेड़िए ने निवाला बनाने की कोशिश की, दबोचने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो दादी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद बच्ची को बचा लिया गया। उनकी बहादुरी से बच्ची बच सकी, लेकिन अटैक का प्लान जो तैयार था वो किया उस आदमखोर भेड़िए ने। घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया। इससे पहले आपको बताएं 10 लोगों की जान ये आदमखोर हिंसक भेड़िए ले चुके हैं और लगातार इसीलिए दहशत है, 34 लोगों को अब तक घायल कर चुके हैं ये भेड़िए। यही वजह है कि एक बड़ी टीम उतारी गई है ग्राउंड पर इन्हें पकड़ने के लिए। और चलिए अब आपको जल्दी से तस्वीर दिखाएंगे, आपको तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो घायल बच्चा बता रहा है कि कैसे अपने जबड़े में दबोचने की कोशिश उस भेड़िए ने की थी। देखिए ये बच्चा जो सो रहा है, ये इसके बच्चे के गले पर दांत के निशान है। आदमखोर ने इसी पर अटैक किया और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये बहुत राहत की बात रही कि बच्चे की जान नहीं गई, जो दादी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उनकी बहादुरी की वजह से जान नहीं गई, उन्होंने आवाज लगाई और लोग इकट्ठा हो गए। 5 साल की बच्ची थी, 5 साल की बच्ची जिस पर अटैक किया गया। ऐसा लग रहा है कि बच्चों पर ही ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, बच्चों को ही हमला कर दबोचने की कोशिश कर रहे हैं ये खूंखार भेड़िए। तो अब तक 10 लोगों की जान भी ले चुके हैं। बड़ी बात यह है कि ये बच्ची बच गई, लेकिन अभी भी डर कायम है, दहशत कायम है। और इसी को लेकर डॉक्टर आशीष, जो CHC इंचार्ज है, जहां अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है, उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। लेकर जाने जब आवा तब ना देखा, जब काट ली उसके बाद निकला तब हम देखे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहा था? हाँ, ले जाने की कोशिश कर रहा, जब तो हमने महतारी अपने आई चली, जब हल्ला गुल्ला भवा जो है मोहल्ला के हम सब हल्ला किया तब भागा। जी अभी तक 34 इनको मिला के 34 लोग आ चुके हैं इलाज लेने, जो माइल्ड इंजरी से थे, नॉर्मली अब ट्रीट होके स्टेबल में है। बगल में हमारे जस्ट शिवपुर है और इधर तेजवापुर है, और कल से खबरों के अनुसार नानपारा भी थोड़ा प्रभावित है। एम पैटर्न है या कुछ अलग अलग है? या उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर ये नेक पे पहले दबोचता है गला, उसके बाद से फिर बच्चा जब डेथ कर जाता है उसके बाद उसको शायद खाने का प्रयास करता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया और यही वजह है कि जो सरकारी अमला है वो एक्टिव हो गया है। कैसे एक्टिव हुआ है डिटेल आपको बता रहे हैं। बहराइच में वन मंत्री का दौरा है, कल भी वो दौरे के लिए पहुंचने वाले, इससे पहले भी उन्होंने दौरा किया। ADG और कमिश्नर का रोज दौरा हो रहा है, लगातार वो पहुंच रहे हैं। वहीं DM और SP भी गश्त लगा रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं वहां उनके बीच। देखिए समझिए, मुख्य वन संरक्षक की मौजूदगी वहां पर 24 घंटे रह रही है, क्योंकि किसी भी पहर ये हमला कर सकता है।
पांच जिलों के डीएफओस ग्राउंड पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए गए कि वो इसी इलाके में रहेंगे जहां जहां टेरर है। फॉरेस्ट रेंजर्स की 12 टीमों की भी तैनाती यहां पर की गई है। 12 टीमें अलग अलग इलाकों में कैंप कर रही हैं, खोज रही हैं, जो जिस तरह से ड्रोन से मैपिंग की जा रही है, हर तरह से समझने की कोशिश करिए कि कौन सा इलाका वो हो सकता है जहां ये आदमखोर छुपा हो सकता है। बहराइच में देखिए 201 कर्मियों की भी तैनाती की गई है क्योंकि लोगों में डर 34 गांव से 51 गांवों तक ये पहुंच चुका है। यूपी पुलिस के 300 जवान भी यहां मुस्तैद हैं क्योंकि कोई भी आपातकालीन स्थिति आएगी, अगर चीख पुकार मचेगी तो ये जवान वहां तुरंत पहुंच जाए, ऐसे निर्देश इनको दिए गए हैं। पीएसी की एक कंपनी भी लगाई गई है। वहीं अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां पर मौजूद है, तो तैयारी पूरी है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि शूट इट साइड, यानी आदमखोर हो चुके हैं, ये हिंसक हो चुके हैं और अगर ऐसे ही हमला करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रेटजी बनाई है। देखिए, ये ट्रैंक्विलाइज करने की गन है जिसके जरिए बेहोश किया जाता है, जिससे निशाना बनाने के बाद जानवर को बेहोश करके जाल में फंसाया जा सकता है। भेड़िए पर फाइनल प्रहार की तैयारी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हो चुकी है। आप ये देखिए, ये जो आप अधिकारियों को देख रहे हैं, ये ट्रैंक्विलाइज करने वाली गन लेकर निकले हैं और जैसे ही आदमखोर भेड़िया दिखेगा तुरंत शॉट लगाने की बात है, फाइनल प्रहार करने की तैयारी है। बहराइच में शूटर्स पहुंच चुके हैं, ये क्लियर हो गया है। तो क्लियर डायरेक्टिव्स आने के बाद ये तैयारी आप देख रहे हैं जो प्रशासन की तरफ से की गई है। और उत्तर प्रदेश के सीएम, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अब मौके पर दिखते ही ढेर करना है इन आदमखोरों को, क्योंकि अब ये हिंसक हो गए। अगर अब इन्हें छोड़ा गया या पकड़ने में ज्यादा वक्त लगा तो और लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी, जिंदगी और मौत का सवाल है। बहराइच आदमखोर मामले पर लखनऊ में बड़ी बैठक भी हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं इसको लेकर। मुख्य सचिव ने वन विभाग को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए। लखनऊ से आदमखोर को गोली मारने की छूट दे दी गई है, यानी जैसे ही दिखे शूट एट साइट के ऑर्डर है एनकाउंटर करने के, जैसे अपराधियों का एनकाउंटर होता है वैसे आदमखोरों का एनकाउंटर करने की पूरी छूट दी गई है। आदमखोर होने की वजह से ही यह फैसला लेना पड़ा है कि मारना ही इन्हें आखिरी उपाय है, आखिरी ऑप्शन है। दो भेड़ियों ने 50 से ज्यादा गांव में आतंक मचा रखा है। आदमखोर भेड़ियों को मारने के लिए शूटर्स अब भेज दिए गए हैं, निर्देश भी मिल चुके हैं और ऐसे में कार्रवाई की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र लगातार बहराइच में मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पर लोग खेती किसानी छोड़कर घर बैठने को मजबूर हो गए, नहर पार करने में उन्हें डर लगता है। सुनिए, राघवेंद्र ने खुद बात की है वहां के लोगों से। भेड़ियों को घेरा गया था लेकिन एक बार फिर से खूंखार आदमखोर भेड़िया चकमा देके भाग निकला और टीम जो है वह खाली हाथ लौट रही है। आप देखिए, यहाँ पर निशानची भी इस गाड़ी में है, शिकारी हैं, अपनी बंदूक के साथ आए थे लेकिन सफलता नहीं मिली और एक एक करके ये गाड़ियाँ और ये अधिकारी वापस जा रहे हैं। ये आप देखिए, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम जो है यह भी वापस जा रही है और इसमें देखिए लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब आप देखिए जो पूरी टीम है, और ग्रामीणों को देखिए किस तरह ग्रामीण भी सहयोग के लिए यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अगल बगल गांवों के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे लेकिन सफलता नहीं मिली।